हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बायो। माय नेम इज़ अंजलि एंड टुडे वी विल स्टडी अ न्यू किंगडम, दैट इज़ द किंगडम फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम फंजाई। फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनली फंजाई वेयर प्लेस्ड अंडर थैलोफाइटा बाय लीनियस। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फंजाई हैव बीन एलिवेटेड टू रैंक ऑफ किंगडम। कहने का मतलब यह है कि इनिशियली लीनियस ने क्या किया था कि किंगडम फंजाई को थैलोफाइटा ग्रुप में रखा था। थैलोफाइटा वैसे ग्रुप होते हैं जिनमें कि बेसिकली नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स या प्लांट आते हैं, फाइन। लेकिन जैसे ही आरिश विटिकर के थ्रू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, तो विटिकर ने क्या किया कि इस फंजाई को एक अलग किंगडम दिया, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई इज हेटरोट्रॉपिक यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि फंजाई जो हैं अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये एक सेल के भी बने हो सकते हैं और ये बहुत सारे सेल के भी बने हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मैंने बहुत बार बताया है। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। मतलब कि फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और ये बेसिकली ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल एब्सेंट। फंजाई में किसी भी तरह का क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, फ्लैजिला फाउंड इन एक्वेटिक फंजाई। यानी कि इसमें अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो वो हम लोगों को बेसिकली एक्वेटिक फंजाई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड थैलस। मतलब कि फंजाई का अगर टोटल प्लांट बॉडी यानी कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये इसको हम लोग थैलस कहते हैं। थैलस होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में वही है। थैलस नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। यानी कि अगर हम प्लांट की बात करें तो हम लोग प्लांट में इजिली देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा लीव्स है, फाइन। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो हम लोग देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो रूट है, स्टेम है और लीव्स है। यहाँ जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये दिखने में तो लग रहा है जैसे कि प्लांट है, लेकिन हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सा पार्ट रूट है या कौन सा स्टेम है या कौन सा लीव्स है। इसीलिए इसके पूरे प्लांट बॉडी को क्या कहा गया है, थैलस कहा गया है, फाइन। नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटीन। यानी फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटीन का बना होता है। काइटीन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट, सिंगल फिलामेंट कॉल्ड हाइफी विच आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप फंजाई को माइक्रोस्कोप में देखें या फिर हम लोग फंजाई की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हम लोगों को इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, पूरे डायग्राम में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक नहीं बहुत सारा है। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं या फिर इसको फिलामेंट भी कहते हैं, फाइन। और यही फिलामेंट जब ग्रुप बना लेता है तो उसको माइसिलम नाम दिया गया है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट में वही है, क्लस्टर ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड माइसिलम। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपका फ्रूटिंग बॉडी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो माइसिलम है। माइसिलम क्या है, ग्रुप ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ फिलामेंट, फाइन। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को माइकोटा बोलते हैं, फाइन। तो माइकोटा या फंजाई को मेजर टू ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है मिक्सोमाइकोटा एंड सेकेंड वन इज द यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा इज द फॉल्स फंजाई, जिसमें एग्जाम्पल है डिक्टियो स्टेलियम। फॉल्स फंजाई यानी कि डिक्टियो स्टेलियम, ये डिक्टियो स्टेलियम एक्चुअली में स्लाइम मोल्ड होता है। जब मैंने स्लाइम मोल्ड पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि स्लाइम मोल्ड में कुछ कैरेक्टर जो है वो फंजाई से भी मिलता है, फाइन। तो यहाँ पे डिक्टियो स्टेलियम को जो है वो फॉल्स फंजाई में रखा गया है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ये फंजाई नहीं है, लेकिन इनका कुछ कैरेक्टर जो है डिक्टियो स्टेलियम का वो फंजाई से भी मिलता है, इसीलिए इसको फंजाई में भी क्लासिफाई किया गया है, फाइन। नेक्स्ट इज द यू माइकोटा, दैट इज द ट्रू फंजाई। यू का मतलब ही होता है ट्रू। देन यू माइकोटा इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू फंजाई परफेक्टी एंड फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई परफेक्टी में क्या होता है कि इसमें इस फंजाई परफेक्टी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, फाइन। लेकिन फंजाई इम्परफेक्टी में अभी तक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, इजंट। नेक्स्ट, फंजाई परफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स, दैट इज द फाइकोमाइसिटीज, एग्जाम्पल राइजोपस, एस्कोमाइसिटीज जिसको कि सैक फंजाई भी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस। नेक्स्ट इज द बेसिडियोमाइसिटीज जिसको कि क्लब फंजाई बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पसीनिया।
यहाँ जो भी एग्जाम्पल है वो सारा का सारा साइंटिफिक नेम है, आप चाहें तो इसका कॉमन नेम गूगल पे भी देख सकते हैं। फाइन, नाउ वी कम टू द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो अगर हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बेसिकली तीन तरीके से होता है, दैट इज़ द वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग वन बाई वन सारे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई एंड गेमीट्स। यानी कि अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ना ही तो इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही किसी ही तरह का गेमेट्स का फ्यूजन होता है। फाइन, तो अगर ना ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है ना ही गेमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो आखिर रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो ये बेसिकली तीन तरीके से होता है। पहला बाय फ्यूजन, सेकेंड बाय बडिंग एंड थर्ड वन इज द बाय फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बाय फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, यानी कि टूटना। क्या होता है इसमें? इन फ्यूजन मेच्योर सेल्स आर माइटोटिकली डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जैसे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि एक पेरेंट सेल है जिसको कि मदर सेल भी कह सकते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोटिकली डिवाइड करने का मतलब होता है कि एक सेल जो है वो जब डिवाइड करता है वो तो तब वो टू डॉटर सेल बनाता है। फाइन, तो यहाँ भी डायग्राम में वही है कि एक मदर सेल है या पेरेंट सेल है, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है। फाइन, और यही डॉटर सेल जो है फिर वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। नाउ वी कम टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग में क्या होता है? इन बडिंग प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल न्यू सेल फ्रॉम द आउटग्रोथ दैट इज द बर्ड ऑफ अ पेरेंट सेल। इसमें देखिए, इस डायग्राम में ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से क्या हो रहा है, एक आउटग्रोथ हो रहा है। इस आउटग्रोथ को हम लोग बर्ड बोल रहे हैं और ये बर्ड जो है धीरे धीरे एनलार्ज होता है और फाइनली ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद जो ये बनता है उसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। फाइन, या और यही डॉटर सेल जो है फिर एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। फाइन, इसका भी एग्जाम्पल है ईस्ट। मैंने जानबूझ करके ये एग्जाम्पल रखा है सो दैट कि आपको याद हो सके। नेक्स्ट वन इज द बाय फ्रेगमेंटेशन। इन फ्रेगमेंटेशन माइसीलियम ब्रेक्स इनटू अ स्मॉल पीसेस एंड ईच पीसेस आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। इसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि माइसीलियम ब्रेक करता है। माइसीलियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ हाइफी या ग्रुप ऑफ फिलामेंट इज नोन एज द माइसीलियम। तो इसमें क्या होता है कि माइसीलियम जो है हर एक जगह से ब्रेक करता है और ये ब्रेक करने के बाद न्यू इंडिविजुअल या न्यू फंजाई बनाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से एक ब्रेक है, एक यहाँ से एक ब्रेक है, तो ये इस तरह से माइसीलियम ब्रेक करता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।